इधर बीएड के अभ्यर्थियों को अध्यापक प्रथम लेवल भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं करने की मांग को लेकर बीएसटीसी और डीएलएड के अभ्यर्थियों ने एनसीटीई के अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा। इन अभ्यर्थियों का कहना था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रथम लेवल में बीएड के अभ्यर्थियों को शामिल करने के आदेश दिए गए हैं, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि बीएसटीसी और डीएलएड के करीब 2 लाख अभ्यर्थी बैठे हैं जो कि इस भर्ती परीक्षा में वंचित रह जाएंगे। नई गाइडलाइंस के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा में है उनमें बीएड वालों को शामिल किया जा रहा है, जबकि एनसीटी ने पुरानी गाइडलाइन के अनुसार 1 से 5 के लिए बीएसटीसी धारे को नियुक्त कर रखा है। वही अभी जो है न्यू गाइडलाइंस में संशोधन करके बीएड वालों को शामिल कर रही है। ऐसे में 6 महीनों का ब्रिज कोर्स करा के बीएड वालों को शामिल कर रही है, जबकि हमने बीएसटीसी 2 साल करके हमारे को जो है अपने अधिकारों का जो है हनन हो रहा है। इसलिए जो है हमने कलेक्टर साहब को अभी ज्ञापन सौंपा है और आगे की कार्रवाई के लिए हम जो है कोर्ट की रणनीति भी तय करेंगे।